हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रूपल चौधरी व्लॉग्स। और थोड़ा सा मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा है और मेरे ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बैक में इतना ज़्यादा पेन है कि मेरे से ना बैठा जा रहा है, ना लेटा जा रहा है, ना खड़ा हुआ जा रहा है, और शायद जैसे बोलता है जैसे झटका आ जाता है ना कमर में, कुछ इस टाइप में पेन है। और ये कल से हो रहा है मुझे, और आज पूजा भी बहुत मुश्किल में कर पाई हूँ, बैठा नहीं जा रहा था। अभी भी इसलिए बैठी हूँ क्योंकि लेट जाती हूँ तो फिर मेरे से उठा नहीं जाता और बहुत ज़्यादा पेन होता है। और कभी कभी तो ऐसे दर्द के ऐसे झटके होते हैं कि अगर खड़ी हुई हूँ तो वहीं पे एकदम से ऐसा हो जाएगा कि मैं नीचे गिरने को हो जाती हूँ, इतना ज़बरदस्त पेन होता है। तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी थी मैंने कल, उसके बाद थोड़ी सिकाई भी की थी और दवाई वगैरह भी लगाई है, उससे थोड़ा बहुत आराम हुआ था जब सुबह सो के उठी मैं। लेकिन जैसे मैंने सुबह पूजा की तो उसके बाद मेरा पेन फिर से वापस आ गया, और अभी भी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और अभी पानी मंगाया मैंने गर्म करके, तो बस थोड़ी सिकाई करूँगी। तो इस सब चक्कर में मैं आप लोगों को विश करना ही भूल गई, हैप्पी नवरात्रि। तो नवरात्रि की आप लोगों को, आपके परिवार को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है इस बार सबकी मुरादें पूरी हो जो भी माता रानी से मांगे। और मैं तो सिर्फ यही मांगूंगी कि सारी बीमारी वगैरह ये सब ख़त्म हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो है टाइम हो रहा है 12:32। आज गौरव नहीं है घर पे, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, और रात में और ओजसी थे अकेले घर पे, तो सुबह उठने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। कहाँ पे जाके बैठा है ये, क्या कर रहे हो यहाँ पे? इधर आओ, बाहर आओ, ओजू बाहर आओ, बाहर आओ, यहाँ पे आओ। ऐसा हो जाता है ओजस के साथ कि कुछ ना कुछ सामान लेके उसको गिराने लग जाएगा, कभी कुछ कर देगा, तो बीच में ही उठ के जाना पड़ता है। अभी भी ऐसी हालत नहीं है मेरी कि मैं ज़्यादा झुक सकूं या कोई ऐसा काम कर सकूं, लेकिन इसके चक्कर में ये एक मिनट भी शांति नहीं रखता। ये देखो, जब से सुबह से सो के उठाया ना, जब से इसने ऐसी आतंक मचाया हुआ है, और मेरी ऐसी हालत नहीं है कि मैं इसके पीछे भागूं और कोई इंसान इसके पीछे भागे, उसकी तो ये हालत ही ख़राब कर देता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि बारिश जो आई थी अभी 2-3 दिन पहले, जो ये बारिश आई थी बहुत ज़बरदस्त बारिश थी, साथ में तूफान भी था, और ये शायद सब जगह पे हुई है ये बारिश। तो इसकी वजह से जो था, आगे बालकनी में थोड़ा पानी आया था, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा पानी आया था, तो वहाँ का जो सामान है वो सारा मुझे अपने रूम में शिफ्ट करना पड़ा, मतलब थोड़ा वो सामान अपने रूम में शिफ्ट करना पड़ा, थोड़ा सामान जो था वो पीछे को करके उस पर पन्नी वगैरह वो ढकनी पड़ी। तो अभी सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है, और मेरे कमर में भी दर्द अभी होना था क्योंकि सारा सामान जो है कि मैं अभी समेट भी नहीं सकती, कहीं पर लगा भी नहीं सकती। सोचा था कि नवरात्रि से पहले ही अपनी थोड़ी बहुत साफ सफाई करके देखूंगी, लेकिन उससे पहले ही मेरी कमर की बैंड बन चुकी है। तो देखती हूँ 1-2 दिन में ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो गौरव आएंगे तो डॉक्टर के जाऊंगी, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा बच्चे के साथ। तो गाइस, अभी बजे हैं 7:00, और अभी नीचे जा रहे हैं, बेड खोल के देखा था क्योंकि बेल्ट ढूंढ रहे थे कमर पर बांधने के लिए, और कमर में हो रहा है आज बहुत ज़्यादा दर्द, और दोपहर बाद से इतना तेज दर्द है कि अब बिना बेल्ट के काम नहीं चलेगा। तो अभी मैं नीचे जा रही हूँ, 7 बज चुके हैं, और पूजा करती हूँ नीचे जाके। ए जा, मार दे तेरी उठो बेटा। एक दिन और कर रहे थे ऐसी, तो बस यही करना। तो गाइज, अभी 7:30 हो चुके हैं और मेरी पूजा भी हो गई है, और मैंने ये बेल्ट लगाई है, लेकिन बेल्ट में भी आराम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ये प्रेस कर रही है। और
आज मतलब कल से इसके पापा नहीं है, यहाँ पे वे बाहर गए हुए हैं, तो और इसको आज़ादी भी लोही है पूरी खेलने की। वैसे गौरव कुछ कहते नहीं है ऐसे, पर फिर भी पता नहीं कल से इसको हो क्या रहा है। तो आप लोगों से बहुत दिनों से एक बात करने की सोच रही थी मैं, लेकिन थोड़ा सा ये था, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाह रही थी बात बताने में। तो अब तो टाइम नज़दीक आ गया है, तो अब तो बता ही देती हूँ, क्योंकि अब तो सबको पता चल ही जाने वाला है। तो घर में आने वाला है एक फंक्शन, नवरात्रि के ख़त्म होती है, मतलब जल्द पता चल जाएगा आप लोगों को क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ है क्या। और एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था इस चीज़ का, लेकिन उस टाइम पे नहीं बताया था क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा था। तो पहले से बता के होता है ना कि सारी चीज़ें दूसरों से नहीं बताई जाती, तो इसलिए नहीं बताया था उस टाइम पे। हाँ, कहना इनका कि खुशियों को नज़र लग जाती है, तो ये अपने ही बारे में बात कर रही है। तैयारियाँ तो हो चुकी है, स्ट्रेस वगैरह सबकी रेडी हो गई है, और मेरे साथ ये दिक्कत हो गई कि मेरी हालत ऐसी है, तो मैंने बहुत सिंपल ड्रेस अपने लिए ली है, क्योंकि ऐसी हालत में ज़्यादा हैवी ड्रेस मैं कैरी नहीं कर सकती। और ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हुए मैं आप लोगों को बता दूँ आपको कि मैंने कहा सर सारी चीज़ बता दी, सस्पेंस में छोड़ दे, है क्या चीज़? तो आप ही बता दो अपने मुँह से, बेटा बता दो आप अपने मुँह से। सरवेली अब बता भी दो, ज़्यादा भाव खा रही हो, मुझे तो कह रही हो सस्पेंस क्रिएट कर रही हूँ, बोलो। मैंने बिना बताए भाभी को अपनी एंगेजमेंट की डेट रखी, इनको कल ही बताया। मतलब कपड़े पहले ही रेडी करा लिए मैंने, और मुझे कल ही पता चला कि इनकी एंगेजमेंट है। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिनका भी रिश्ता हो गया है, और जिसका हमें पता नहीं बरसों से इंतज़ार था, मेरी शादी से पहले से ही इंतज़ार था इनके शादी होने का। तो इनकी है एंगेजमेंट 30 मार्च की, और नवमी का रामनवमी है, तो इनको अच्छे से याद है कि रामनवमी है। मैं सोची दशमी वाले दिन है, तो मेरे से तुरंत बोलती है नहीं नवमी वाले दिन है। अरे मैं भूल जाऊँ, मेरी शादी थोड़ी है आपकी है ना, होने वाले को याद रहे। बस यही रीज़न था आप लोगों से अभी छुपाने का, कि ज़्यादा हम किसी से बताना नहीं चाह रहे थे अभी। तो जिस जिसको पता चल गया वो मत पूछना कि क्यों नहीं बताया। हाँ, तो अब पता चल गया है ना सबको कि हाँ क्यों नहीं बताया हमने। होता है कि वही होता है, हर कोई अपने घर की बात सबको नहीं बता के रखता, तो अभी पता चल गया। तो बस यही चीज़ है कि सुन के चुप बैठ जाना। सबकी ड्रेस जो है वो मैं उसी दिन दिखाऊंगी, कौन कैसा लग रहा है, पहले से ही मैं सारी चीज़ें नहीं खोल के रखूंगी। वो थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है हमारी, और वो मेरी वजह से पेंडिंग रह रही है, क्योंकि मेरी हालत नहीं है कहीं भी बाहर जाने की। घर में भी मतलब ये होता है कि ज़्यादा देर में बैठ नहीं पा रही हूँ, तो जब ठीक हो जाऊँगी, मैं कोशिश तो ये कर रही हूँ कि एक दो दिन में ही ठीक हो जाऊँ, और बस वे काम ख़त्म करने हैं। नज़र लग रहा है तो बोलते हैं, हाँ यही नज़र लगना है, कि अभी तो किसी को बताया भी नहीं था, उससे पहले नज़र लग के बैठ गई कि मतलब काम पेंडिंग में पड़ा है, और मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि वो अब वो काम पता नहीं कब तक पेंडिंग में पड़े रहेंगे। तो शायद कल को गौरव आ जाए, तो पहले डॉक्टर के दिखाऊंगी, अपना इलाज कराऊंगी, उसके बाद भी काम ख़त्म करना है मुझे जल्द से जल्द, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बच रहे हैं। इनकी खुशी आप देख ही सकते हैं कि खुशी का कोई ठिकाना है ही नहीं। तो ब्रो करना है सी। तो ये कहते हैं शादी का हुमाया नहीं नहीं मुसलमानी अल्लाह अल्लाह पुकारे, तो खैर इनको भी खाने देते हैं शादी का लड्डू जब हमने खा लिया। तो बस अब तो सबको पता चल ही गया है क्या बात थी ऐसी जो इतने दिनों से मैं आप लोगों से छुपा रही थी। तो अब जब सब चीज़ें पता चली गई है, तो अब जो जो तैयारी करेंगे वो आप लोगों को दिखा के करूँगी। और इतने दिनों से यही चीज़ थी कि मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, तो इसीलिए ब्लॉग नहीं आए। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप लोगों के साथ सब चीज़ें बता दी, अब शेयर कर दिए, तो आप लोगों को अब ज़रूर बताऊँगी, सारी चीज़ें दिखाऊँगी। और एक ये हमारे महाशय को देखो, इसको पता नहीं क्या सूझ रहा है, क्या करना चाह रहा है कल से। ओई लगा सर। खड़े हो, आओ हाथ दो मुझे, हाथ दो बेटा,
ये देखो, मतलब अब नहीं इसकी गलती से चोट लग जाए तो इसका कोई दर्द दुख दर्द नहीं है, लेकिन अगर इसको हल्का सा भी डांट दे तो इसकी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू आएंगे ना। फुल मस्ती के मूड में है, इसको 2 दिन से ना खाने का ना पीने का होश है, बस खेलना 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 खेलना। यहाँ पे व्रत वाले आलू बने थे और वो जिसके लिए कई आलू लेके आई हूँ मैं, और साथ में है इसकी रोटी और थोड़ी सी दही। दही मैं उसको 2 दिन से नहीं खा रही थी क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा है और ठंडे मौसम में ऐसे ही मौसम चेंज हो रहा था तो इसे बीमार ना हो जाए, इसलिए मैं इसको दही नहीं दे रही थी, लेकिन आज थोड़ी सी इसको दही दे दूँगी। भूख लग रही है इसे, तेज की इसे दूध भी नहीं लिया ठीक से और खा, मतलब दूध कम ही पी रहा है, खेलने के चक्कर में ज्यादा रहता है आजकल ये, बस खेल खेल है। तो गाइस अभी 8:30 हो चुके हैं और मैंने खाना खा लिया है। यदि यहाँ पे अपने ससुराल में बात कर रही है तो इनकी स्माइल से अलग ही पता चल जाता है ये किसका फोन हो सकता है। तो आज आप लोगों को वो रहस्य पता चली गया जो इतने दिनों से सीक्रेट रखा हुआ था। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि दो लफ्ज इनसे सुनना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहती हैं, किस बारे में, किस बारे में, जिस बारे में अभी पता चला है, एंगेजमेंट के लिए। इतनी आराम से बोल रही है ना, किस बारे में हो जस एंगेजमेंट के बारे में, किस बारे में, एंगेजमेंट के लिए। ये इसको बोलते हैं ओवर एक्टिंग। अब ठीक से होके बताओ किस बारे में पूछ रहे हैं, एंगेजमेंट के नहीं, शादी के। शादी तो अभी बहुत लेट है, एंगेजमेंट ही नहीं हुई अभी। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ पर अब डर भी लग रहा है, जैसे दिन पास आ रहे ना तो मुझे डर सा भी लगने लगा। खुश किस लिए हो आप? अपनी एंगेजमेंट को लेके खुश हूँ, मतलब इतने दिनों बाद शादी हो रही है इसलिए, या फिर इस घर को छोड़ के जाओगी इसलिए? नहीं, घर को छोड़ के तो दुख होएगा। नहीं तो फिर खुश किस लिए हो? कहते ना कि लड़की का सपना होता है, आपका क्या सपना था? कि भाई अपने तरीके से शादी हो, तरीके से हो, ऐसे हो, मैं ये पहनू। क्या पहनूंगी वो आपको उसी दिन दिखाऊं। ये भी खुश है पूरा, इसको तो बेचारे को पता ही नहीं शादी क्या हुआ है। ये डांस करेगा, बस डीजे बजेगा ये डांस करेगा। और ये डांस कर दो, जिस दिन से पता चला है कि इनकी शादी तय हो गई है और एंगेजमेंट है उस दिन से फूले नहीं समा रही है। और ज्यादा मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखा रही थी क्योंकि इनकी खुशी से ही आप लोगों को जाहिर हो जाता कि बात क्या है। तो इनके शादी की जो खुशी है वो चेहरे पर अलग ही दिखाई दे जाती है, तो इसलिए नहीं आप लोगों के सामने मैं दिखा रही थी ज्यादा। तो अब तो आप लोगों को पता चल गया, अब सारी चीजें इनकी दिखाऊंगी। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ और मिलूंगी जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में।